मैं मुकेश कुमार शर्मा ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में इंटरनेट और WWW का अंतर समझाया। आज मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में समझाऊंगा। इंटरनेट पे जो आप वेबसाइट यूज करते हो क्या होती है। इंटरनेट इस तरीके से आप देख सकते हो, ये वेबसाइट के बारे में दिखाया गया है। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं। एक वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब फाइलों का संबंधित संग्रह है। अगर आपको एक लाइन याद रह पाती है और करनी है तो उसको ये इस तरीके से याद कर सकते हो। वर्ल्ड वाइड वेब पर जो फाइल होता है उनका जो संबंधित संग्रह है वो वेबसाइट कहलाती है, और जिसमें साथ में एक पेज भी होता है। अक्सर आपने देखा हो किसी भी वेबसाइट को, अगर आप वेबसाइट का वेब एड्रेस डालते हैं और वेबसाइट चलाते हैं तो उसका एक पहला पेज खुलता है जिसे होम पेज कहा जाता है। होम पेज को आप यहाँ से अंडरलाइन भी कर सकते हो, यहाँ से याद रख सकते हो कि एक होम पेज वो पेज होता है जो किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने पर सबसे पहले खुलता है। वो होता है क्या? होम पेज। होम पेज को कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है, रेलवे, बैंक, SSC, RSIT। दूसरा, कोई भी कंपनी या व्यक्ति जिसकी वेबसाइट होती है वो आपको अपनी वेबसाइट का होम पता देता है। कोई आपसे ये भी पूछ सकता है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो व्यक्ति या कंपनी वेबसाइट बनाती है वो किसका पता देते हैं, तो वो देते हैं होम पेज का पता। तो आप जो WWW जैसे मान लो Google.com है, तो Google.com जो साइट खुलती है उसमें सबसे पहला जो पेज है उसका होम पेज होता है, उसका पता होम उस पर दिया गया है। बाकी उसके अंदर बहुत सारी चीजें आप होम पेज के द्वारा आप पूरी वेबसाइट को नेविगेट कर सकते हो और किसी पेज पर पहुंच सकते हो। नेविगेट का मतलब एक पेज से दूसरे पेज पर जा सकते हो और उसके बाद किसी भी पेज को आप वहां से खोल सकते हो। आपको वेबसाइट जानने के साथ साथ ये जानना बहुत जरूरी है कि वेबसाइट किसी की निजी वेबसाइट भी हो सकती है, वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल हो सकती है, सरकारी हो सकती है, और गैर सरकारी संगठन, गैर लाभकारी संगठन वाली यानी NGO की वेबसाइट भी हो सकती है। दूसरा, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो वेबसाइट बनती है तो वो वेबसाइट जिस कंप्यूटर पर होस्ट की जाती है वो क्या कहलाता है। एक वेबसाइट को एक कंप्यूटर सिस्टम पे होस्ट किया जाता है, होस्ट मतलब उसको अपलोड किया जाता है, जिसे वेब सर्वर और या HTTP सर्वर कहा जाता है। तो आपको याद रखना अच्छे से कि जिस कंप्यूटर पे उस वेबसाइट को होस्ट किया गया है या अपलोड किया गया है, उस वाले सर्वर को वेब सर्वर या HTTP सर्वर के नाम से जाना जाता है। वेबसाइट जानने के साथ साथ आपको यह जानना भी जरूरी है कि वेबसाइट कितने प्रकार की होती है। वेबसाइट दो प्रकार की होती है, अर्थात दो श्रेणियों में रखा गया है। नंबर एक स्टैटिक वेबसाइट, नंबर दो डायनेमिक वेबसाइट। दोनों में अंतर क्या है मैं आपको शॉर्ट में समझाने देता हूं। स्टैटिक वेबसाइट होती है वो साइट होती है जिनमें जो डाटा होता है वो बदलता नहीं है, यानी यूजर जो देख रहा है उसे बदल नहीं सकता, लेकिन डायनेमिक वाली होती है उनको बदल सकता है। यहां से आपको अंडरलाइन करना है, स्टैटिक साइटों की जानकारी स्थिर होती है। समझ में आया? यूजर को संवाद की अनुमति नहीं होती। यूजर का मतलब एक तो साइट बनाने वाला और एक चलाने वाला था, जो चलाने वाला है वो उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। जबकि दूसरे प्रकार की होती है जो आजकल ज्यादा चलती है, वो वेबसाइट डायनेमिक साइट होती है, जो ऑनर यानी कि जो उसका साइट का मालिक होता है और आगंतुक या चलाने वाला होता है, उन दोनों बीच संवाद की अनुमति होती है। जैसे मैं ये कह सकता हूँ, एक वेबसाइट होती है मतलब कोई वेबसाइट जैसे फेसबुक है, इसमें आप दोनों एक दूसरे को मतलब संवाद कर सकते हो, मैसेज भेज सकते हो। दूसरा, और भी वेबसाइट है विकिपीडिया जैसी, तो उनमें भी संवाद होता है। तो आजकल की जो वेबसाइटें हैं होती हैं डायनेमिक प्रकार की, और जो गवर्नमेंट की साइट होती है वो अधिकतर स्टैटिक होती हैं। तो आपने इस वीडियो में वेबसाइट के बारे में अच्छे से जाना, उसके प्रकार के बारे में जाना, और किस प्रकार की वेबसाइट होती है, होम पेज क्या होता है, सब जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, और अगर आपको नेक्स्ट जानना है URL क्या होता है, या जो आप लिखते हो www.com ये क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से विस्तार समझना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाली घंटी बजाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो तुरंत मिले।